हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफर माह के प्रथम रविवार को ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद वसी अख्तर रिजवी के जफर बाजार स्थित आवास से परचम हजरत अब्बास व इमाम हुसैन की सवारी का दुलदुल जुलूस निकाला गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने सिनाजनी करते हुए इमाम हुसैन को याद किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद वसी अख्तर रिजवी ने कहा, सैयद वसी अख्तर रिजवी। आज ये जो जुलूस निकला हुआ है अलम मुबारक, इस जुलूस की सबसे ख़ास बात यह है कि ये करबला में, इराक़ में करबला है, वहाँ मौला अब्बास का रोज़ा है। उस रोज़े का अलम जो है यहाँ पे हर साल निकलता है। ये सफ़र महीने के पहले इतवार को, रविवार को निकलता है। इसमें तमाम बाहर के लोग आते हैं, बाहर की अंजुमनें आती हैं नौहा मातम करने के लिए, और क्या गोरखपुर की अंजुमन रहती है, जिसमें अभी थोड़ी देर में इसमें सीना जनी के साथ साथ कमा और तलवार का मातम भी होगा। और इसमें इसमें जुलूस में सबसे ख़ास बात जो है कि इसमें दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हज़रत अब्बास अलमबरदार का अलम, ये वो अलम है जिसको ये रसूल के पास, रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिया, उसका हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फिर ये मौला अब्बास को दिया था। यही अलम लेके मौला अब्बास करबला के मैदान में थे, और जहाँ पे ये अलम लेके मौला अब्बास जो है वो इमाम के सिपा सालारों में थे, बाद में वहाँ जो करबला के मैदान में ये शहीद हुए, जहाँ पे इनके दोनों बाजू कटे, लेकिन अलम को इन्होंने गिरने नहीं दिया था जो है।